नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। कहते हैं कि उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगेबान है आंखें। सावधान, हमारा प्यारा भारत देश अब इतना विकसित हो गया है कि जब किसी ने भारत की तरफ अपनी निगाहें टेढ़ी की तो उसे नेस्तोनाबूत करने में भारत एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा। चीन, पाकिस्तान या अन्य देश जो अक्सर भारत की गरिमा, प्रतिष्ठा और सुरक्षा को ठेस पहुंचाने के फिराक में लगे रहते हैं, ऐसे देशों की अब खैर नहीं है। कहते हैं कि गरजते हैं जो वो बरसते नहीं, ये कहावत कायर पाकिस्तान और चालबाज चीन पर बिल्कुल सटीक बैठती है। भारत की तमाम कोशिशों के बावजूद ये दोनों देश भारत की दोस्ती कबूल करने को तैयार ही नहीं है। पाकिस्तान अक्सर सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन करता रहता है और साथ ही साथ आतंकवादियों को भारत की सीमा में भेजने की हिमाकत करता है और हर बार उसे मुंह की भी खानी पड़ती है। इसी तरह चीन की भी चालबाजी थमने का नाम ही नहीं ले रही, जो भारत के सामने आए दिन आ ही जाती है। एलएसी पर चीन ने अपनी सेना द्वारा धोखे से भारतीय सेना के जवानों के साथ युद्ध करने भेजा, जिसमें चीनी सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारतीय सेना के वीर जवानों ने चीन के करीब 40 सैनिक मारे थे। साथ ही दुर्भाग्यवश भारत के भी 20 वीर सैनिक तिरंगे में लिपटे थे। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की प्रमुख नीतियों का ही आज ये परिणाम है कि भारत की सैन्य शक्ति इतनी मजबूत हो गई है। अंबाला में जब रफेल विमानों की लैंडिंग हुई थी तो सभी देशवासियों का सीना गर्व से फूला नहीं समा रहा था, और आज एक और खुशी का दिन है। दरअसल चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच भारत अपनी सैन्य क्षमता लगातार इजाफा करने में लगा हुआ है। इसी कड़ी में भारतीय सेना के प्रमुख जनरल MM नरवणे ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी निर्मित एंटी सबमरीन युद्धपोत INS कवरत्ती को नौसेना में शामिल किया। इसकी खासियत यह है कि ये रडार की पकड़ में नहीं आता। कवरत्ती के बेड़े में शामिल होने से नौसेना की ताकत में और भी अधिक इजाफा होगा। प्रोजेक्ट 28 के तहत निर्मित 4 स्वदेशी युद्धपोत में से यह अंतिम है। INS कवरत्ती को भारतीय नौसेना के संगठन डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन DND ने डिजाइन किया है। कवरत्ती को स्वदेशी रूप से विकसित अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस किया गया है, जिनमें एक मध्यम श्रेणी की बंदूक, टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर, रॉकेट लॉन्चर और एक करीबी हथियार प्रणाली शामिल है। नौसेना अधिकारियों ने बताया कि INS कवरत्ती में अत्याधुनिक हथियार प्रणाली है और ऐसे सेंसर्स लगे हैं जो पनडुब्बियों का पता लगाने और उनका पीछा करने में सक्षम है। इस युद्धपोत में इस्तेमाल किए गए 90% चीज़ें स्वदेशी हैं। इससे पहले नौसेना को ऐसे ही 3 युद्धपोत सौंपे जा चुके हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO ने गुरुवार को एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का अंतिम सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण पोखरण रेंज में किया गया। इसी के साथ नाग मिसाइल अब भारतीय सेना में शामिल होने को तैयार है। भारत को अब एंटी टैंक हथियारों के लिए अमेरिका या इसराइल पर निर्भर नहीं रहना होगा। नाग मिसाइल को नाग मिसाइल कैरियर NMICA से लॉन्च किया गया। ये 4 से 7 किलोमीटर तक निशाना लगा सकती है और एक 3rd जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, और दिन के अलावा रात में भी ये दुश्मनों के टैंक को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्रालय ने साल 2018 में भारतीय सेना के लिए 300 नाग मिसाइल्स और 25 NMICA खरीदने को मंजूरी दी थी।